हाय फ्रेंड्स, आज मैं आपको गाजर का अचार बनाना सिखाऊंगी, जो कि बहुत ही ज़्यादा सिंपल अचार होगा। इस ये बनाना बहुत ही आसान है और इसमें लिए ज़्यादा इंग्रेडिएंट की भी आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले आप 1 किलो फ्रेश गाजर ले लीजिए और उसको धो के, पोंछ के और पतली पतली काट के आराम से कम 10 मिनट धूप धूप दीजिए। तो ये कुछ इस तरीके की हो जाएगी, देख रहे हैं आप, बिल्कुल पतली पतली है ये, बिल्कुल बराबर कटी है, करीब 1 किलो के करीब आपको लेनी पड़ेगी। इसके बाद जो हमारे मसाले हैं वो होंगे, करीब आप 2 चम्मच हल्दी ले लीजिए, 2 चम्मच मिर्च का पाउडर, ये 1 किलो अचार में जो पड़ेगा उसका मैं आपको बता रही हूँ। और नमक भी आपको 2 चम्मच ही रखना पड़ेगा, और अगर आप थोड़ा सा नमक करा ज़्यादा भी रख लेंगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं, क्योंकि इससे अचार प्रिजर्व होने में ही आपको मदद मिलेगी। और साथ में है आपका राई, राई का पाउडर है ये, आप जैसे देख रहे हैं, थोड़ा सा दरदरा, एकदम फाइन बॉर्डर नहीं बनाना है। ये आप मार्केट से राई लेकर के ग्राइंडर में भी थोड़ा सा दरदरा रख सकते हैं। और करीब 1 बड़ा चम्मच आपका सरसों का तेल, जो कि गर्म है और मैंने पहले ही इसे गर्म करके रख लिया है। तो ये हो गए हमारे इंग्रेडिएंट। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इसको कैसे बनाएंगे। जो हमारे कटे हुए गाजर के टुकड़े हैं उनके अंदर हम सबसे पहले 1-2 चम्मच हल्दी मिलाएंगे। दो चम्मच मिर्ची का पाउडर, दो चम्मच नमक और 2 चम्मच राई का पाउडर, जो मैंने आपको पहले ही बताया था कि थोड़ा सा दरदरा है, और इसको पहले ही आप पीस कर रख लीजिएगा। इसके बाद हमारा 1.5 चम्मच, मतलब 1.5 चम्मच छोटा या फिर 1 बड़ा चम्मच समझ लीजिए, जैसे मैं आपको दिखा रही हूँ, लगभग 2 के करीब, क्योंकि 1 किलो गाजर अगर आप कर रहे हैं तो 2 बड़े चम्मच आप इसमें डाल सकते हैं। और ये गरम तेल होना चाहिए, ये सरसों का तेल है, और वैसे अगर आप सरसों का तेल नहीं खाते हैं, वैसे तो अचार में बेसिक सरसों का तेल ही डलता है, बट अगर आप नहीं डाल खाना चाहते हैं तो आप इसमें ऑलिव ऑयल को भी ट्राई कर सकते हैं, वो भी अच्छा टेस्ट देगा आपको। इस गरम तेल को आप अच्छी तरीके से मिला लीजिए। देखिए, पहले तो हमने चम्मच से मिलाया, पर अचार में बेसिक क्या होता है कि अगर हम हाथ से नहीं मिलाएंगे तो जो अचार का मसाला जो होता है वो बिल्कुल अच्छे से बैठता नहीं है, जिस भी चीज़ का आप मसाला बना रहे हैं। इसलिए आप कोशिश कीजिए हाथ बिल्कुल साफ़ सुथरे और धो करके आप इसके अंदर इस्तेमाल कर सकते हैं, जिससे कि कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। और हम अब आप देख रहे हैं कि किस तरीके से मसाला बिल्कुल गाजर के अंदर लिपटता जा रहा है गाजर से के साथ। इसको करीब आप 2-3 मिनट अच्छे से हाथ से मिलाइए। मिलाने के बाद ये लगभग, देखिए आप, बिल्कुल रेडी हो गया है हर जगह से। इसमें मसाला मैं आपको अच्छे से दिखा देती हूँ, बिल्कुल पास से बिल्कुल लग चुका है। अब एक प्लास्टिक का या कांच का, किसी भी तरीके का, आप एक खाली जार ले लीजिए, और बस ध्यान रखिए कि जार में किसी भी तरीके का पानी ना हो, जार बिल्कुल सूखा होना चाहिए, क्योंकि पानी अगर हो जाएगा तो आपको अचार ख़राब होने का प्रॉब्लम आ सकता है। तो आप इसके अंदर जो भी जार आपने लिया उसके अंदर इस अचार को भर दीजिए। भरने के बाद इसके ऊपर एक फाइन कॉटन का पतला टाइप का कपड़ा बांध के रखिए, ढक्कन नहीं लगाना है आपको, और उसको धूप में रख दीजिए। करीब 2 से 3 दिन 4 दिन आपको 2 से 3 दिन आपको इसको रखना पड़ेगा धूप में, पर ऊपर से कपड़ा बंधा होना ज़रूरी है, ढक्कन लगा के आपको नहीं रखना है। तो इसी हिसाब से हमारा
अचार रेडी है बिल्कुल, ये देख सकते हैं आप, और इसकी खुशबू भी बहुत ही अच्छी आएगी। ओके गाइस, अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक कीजिए। थैंक यू।